हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों, इस मार्बल कटर को रिपेयर करना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सीरीज बोर्ड में टेस्ट करेंगे। तो सीरीज बोर्ड में मैंने स्विच को लगा दिया है। अब हम इस स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बल्ब ग्लो करने लगा है। इसका अर्थ है हमारा मार्बल कटर सही है। अब हम इसे डायरेक्ट एसी में लगाकर टेस्ट करेंगे। तो अब हम इसे एसी में लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्बल कटर घूम रहा है, वर्क कर रहा है, पर इसमें प्रॉब्लम दोस्तों इस बैरिंग में है, जिसमें कि यह चाल आ गई है, यह प्ले हो गया है, जिससे जब इसमें ब्लेड लगाकर चलाते हैं तो यह वाइब्रेट करता है और सही प्रकार से वर्क नहीं करता है। तो बैरिंग चेंज करने के लिए दोस्तों, मैं इन स्क्रूओं को खोलूंगा, जिसके लिए मैं इस WD-40 का उपयोग करता हूं। यह काफ़ी अच्छा जंग रोधक लिक्विड प्रोडक्ट है, जिसे मैंने अमेज़न के द्वारा परचेस किया है और यह कई जगह उपयोग में लाया जा सकता है। जहाँ पर भी जंग लगा रहता है, कार्बन लगा रहता है, वहाँ पर हम इसे डालकर आसानी से रिमूव कर सकते हैं। यह आप भी खरीद सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अमेज़न से इसे परचेस या खरीद सकते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, मैं इस लिक्विड को इन स्क्रूओं के ऊपर डालकर 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देता हूं। यह लिक्विड कई जगह उपयोग में लाया जा सकता है। मेरे मैकेनिक भाई या किसान भाई इसे उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिक्विड डाल दिया है और अब इन स्क्रूओं को आसानी से खोल दिया है और स्क्रू बड़ी ही आसानी से बाहर निकल आए हैं। यह देखिए दोस्तों, तो अब हम इस बैरिंग को बाहर निकालेंगे एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। बैरिंग को बाहर निकालेंगे तो यह डिब्बी दोस्तों बाहर निकल आती है। इस डिब्बी के अंदर ही बैरिंग रहता है। तो यह इसका गियर है और एक गियर आर्मेचर में लगा होता है। तो बैरिंग नंबर इसमें 6201 होता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें भी एक बैरिंग लगा होता है, इसका नंबर 626 रहता है, और भी अलग नंबर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तब यह बाहर निकल आता है। और यह एबी वाशर हैं दोस्तों, जिसमें कि आयरन ब्लेड लगाया जाता है। तो अब हम इस गियर को इस शाफ्ट से अलग करेंगे। इसे अलग करने के लिए दोस्तों, इस बैरिंग पुलर की आवश्यकता पड़ती है। इस पुलर को हम इस प्रकार लगाकर और बड़ी ही आसानी से गियर को
शाफ्ट से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, गियर बाहर आ गया है। अब इसमें यह स्टॉपर लगा होता है जिसे हम चाबी भी बोलते हैं, और यह शाफ्ट रिंग है जो कि शाफ्ट में लगा होता है। अब हम इस शाफ्ट को इस डिब्बी से रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम डिब्बी को इस प्रकार रखते हैं, और अब हम इस लोहे की नाप की सहायता से इस प्रकार ठोक कर शाफ्ट को डिब्बी से अलग कर लेते हैं। तो शाफ्ट हमने बाहर निकाल ली है दोस्तों। अब हम इस डिब्बी और बेयरिंग को चेंज करेंगे। तो यह देखिए दोस्तों, नया डिब्बी है जो कि मार्बल कटर CM4 के नाम पर मार्केट में मिल जाता है, और यह बेयरिंग है जिसका नंबर है 6201। इसे भी हम नया लगाएंगे। तो डिब्बी के ऊपर यह रिंग लगा होता है जिसे हम इस प्रकार रिमूव करते हैं, और इसके बाद हम इस बेयरिंग को डिब्बी के अंदर सेट करेंगे। इसको हम बड़ी ही आसानी से डिब्बी के अंदर सेट कर लेते हैं, और अब हम इस रिंग को भी डिब्बी में लगा देते हैं ताकि मार्बल कटर घूमते समय यह बेयरिंग बाहर ना निकले, और इस रिंग को इस प्रकार अच्छी तरह सेट करके ठोकर लगा देते हैं इन दोनों स्टेप में। इस प्रकार हम रिंग को ठोकर लगा देते हैं दोस्तों ताकि बेयरिंग बाहर ना निकले। और अब हम इस डिब्बी में शाफ्ट को ऐड करेंगे। तो इस प्रकार हम शाफ्ट को बेयरिंग के अंदर डालते हैं और ऊपर से ठोकर लगा देते हैं, और अब हम इसमें यह शाफ्ट रिंग को लगा देते हैं, और शाफ्ट पर इस स्टॉपर जो कि गियर स्टॉपर होता है इसे लगाकर गियर को लगा देते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, इसमें हम गियर को सेट कर लेते हैं। इस प्रकार ऊपर से हम एक लोहे की नाप की सहायता से गियर को शाफ्ट में अच्छी तरह सेट करेंगे, और यह देखिए दोस्तों, हमने गियर को अच्छी तरह शाफ्ट में सेट कर लिया है, और हमारी शाफ्ट अच्छी तरह घूमने लगी है, और इसमें किसी प्रकार का चाल या प्ले नहीं है। तो अब हम इसे गियर बॉक्स में सेट करेंगे। तो उससे पहले हम इसमें ग्रीस से लुब्रिकेट कर लेते हैं। इसमें भी एक आर्मेचर गियर रहता है, उसमें भी हम ग्रीस को डाल देते हैं, और अब हम इस डिब्बी पत्ती में स्क्रूओं को अच्छी तरह लगाकर टाइट कर देंगे। हमने स्क्रूओं को अच्छी तरह टाइट कर लिया है दोस्तों। अब हम
इसमें एवी वाशरों को लगा देते हैं, जिसमें कि आयरन, लकड़ी और भी कई प्रकार की बिलेट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अब किसी प्रकार की चाल नहीं है, प्ले नहीं है। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से बेयरिंग को रिमूव कर सकते हैं। अब हम इसे डायरेक्ट एसी में लगाकर टेस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा मार्बल कटर काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करने लगा है, घूमने लगा है और इसमें अब किसी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं है। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से बेयरिंग को गियर बॉक्स से बदल लेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही था। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।